तो हे गाइस नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत होंगे अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ बैंड स्टैंड जी हाँ। आप सबको बता दूँ कि बॉलीवुड क्वीन यानी कि रेखा मैम को तो आप सब जानते होंगे जी हाँ। रेखा मैडम के घर के 40 कदम पहले मैं हूँ। आप सबको जो है रेखा मैडम का घर दिखाता हूँ, कैसा है कैसा नहीं है सारी चीज़ें आप सबको देखने को मिलेगी। ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, चैनल अपने साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए सारी चीज़ें आप सबको दिखाता हूँ कि रेखा मैम का घर कैसा है कैसा दिखता है, सारी चीज़ें आप सबको देखने को मिलेगी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रेखा मैम के घर की तरफ जी हाँ। तो देखते हैं रेखा मैम का घर कहाँ है, ढूंढते हैं और सारी चीज़ें आप सबको मैं दिखाऊँगा। और जस्ट सामने आप सब देख सकते हैं ये है बैंड स्टैंड और मैं हूँ अभी बैंड स्टैंड जो कि बहुत ही VIP एरिया है भाई। सलमान शाहरुख सबका घर जो है वो इजीली आप सबको देखने को मिलेगा। चलिए मैं ढूंढ रहा हूँ रेखा मैम का घर, उसके बाद आप सबको दिखाऊंगा सारी चीज़ें दिखाऊंगा। हाँ मैम के घर के सामने आप सब दिखा दूँ, ये देखिए क्या खूबसूरत सा ये नज़ारा है। चलिए मैं आप सबको पास से दिखा देता हूँ रेखा मैम का घर जो इसी लाइन में है। आगे ढूंढते हैं आप सबको दिखाते हैं और उसके सामने आप सब व्यू देखिए। चलिए आप सबको मैं व्यू दिखाता हूँ सामने का। पहले सूरज जो है बिल्कुल ढलने वाला है और बहुत ही खूबसूरत सा ये नज़ारा जो है मैं आप सबको दिखाता हूँ करीब से। ये देखिए ज़बरदस्त क्या शानदार आप सब देख सकते हैं। ये वाला जो गेट आप सब देख रहे हैं, इसके बगल वाला जो गेट आप सब देख रहे हैं, ये है रेखा मैडम का घर जी हाँ। देख सकते हैं मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, ये वाला गेट जो आप सबको दिख रहा है ये रेखा मैडम घर है। ऊपर से पूरा पेड़ से जो है इसको छुपाया गया है। ये वाला गेट देख सकते हैं रेखा मैडम का है और दूसरा वाला भी गेट आप सबको दिखाऊँगा। गेट देख सकते हैं आप लोग लकड़ी का, बिल्कुल जो है वो अजीबोगरीब गेट दिख रहा होगा आप सबको और ऊपर से जो है पूरा ये जो है पेड़ आप सबको दिख रहा होगा। तो ये जो है घर जो है वो रेखा मैडम जी का है। ये गेट है और इसके बगल में दूसरा गेट है तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। तब तक आप सब पहला गेट जो और करीब से मैं आप सबको दिखाता हूँ। रेखा जी बहुत ही शांत स्वभाव की हैं और उनको जो है वो पेड़ पौधे से बहुत ही ज़्यादा लगाव है जो कि आप सब उनका घर देख कर जो है वो आप सब पता लगा सकते हैं क्योंकि उनका घर का जो पूरा मेन गेट है वो पूरे पेड़ों से जो है वो छुपा हुआ है और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके घर में कोई झांके जी हाँ। इसी वजह से जो है पूरा पेड़ जो है इनके घर में लगा हुआ है, बांस लगे हुए हैं। और आप सबको बता दूं कि रेखा जी बहुत ही शांत स्वभाव की हैं और उनको जो है वो अकेले रहना बहुत ही पसंद है और बहुत कम ही लोग होंगे जो उनके दोस्त होंगे और बहुत कम लोग होंगे जो इनके घर में वो आए होंगे जी हाँ। ये सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। रेखा को बॉलीवुड की सदाबहार दीवा माना जाता है और उन्होंने 40 साल के करियर में 180 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों में एक बाल अभिनेत्री के रूप में की थी और उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग की बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। रेखा अपने निजी जीवन में बहुत ही निजी हैं और यह उनके घर के आंतरिक और बाहर यानी कि अंदर और बाहर का सारी चीज़ें जो है मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके का जो है इनका घर है बाहर से जो कि पूरा पैक है, आप सबको अंदर की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं दिखेगी। और रेखा को जो है वो अच्छे अच्छे फर्नीचर का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिनके घर में जो है बहुत ही खूबसूरत से फर्नीचर हैं जो मैं आप सबको स्क्रीन पर फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि रेखा जी का घर रहस्यों से भरा है इसलिए बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रेखा जी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो हरियाली पसंद है, शांत माहौल पसंद है, यही वजह है जो बाहर से इनका घर जो है वो भूतिया टाइप का दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा इनका घर जो लग्जरी है, जिसकी कीमत बताई जाती है कि 100 करोड़ रुपए का जो है ये इस घर की कीमत है क्योंकि मुंबई के बहुत ही पॉश इलाके में इनका घर है और इनके घर के जस्ट बगल में शाहरुख खान, सलमान खान, जॉन इब्राहिम जैसे बड़े सुपरस्टार भी रहते हैं। ये पहला गेट है और दूसरा घर, दूसरा गेट जो है आप सबको मैं दिखाता हूँ। इधर देख सकते हैं ये है इधर दूसरा गेट जी हाँ। और घर का नाम भी आप सब देख सकते हैं, और घर का जो है वो आप सब नाम देख सकते हैं, ये देखिए सी स्प्रिंग जो रेखा जी का नाम बहुत सारे जो है वो एक्टर के साथ जोड़ा जाता है जो कि अमिताभ बच्चन हुए या फिर अक्षय कुमार हुए,
उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो साल 1990 में मुकेश अग्रवाल जो कि एक बिजनेसमैन थे उनके साथ उन्होंने शादी किया, और शादी के 6 महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल ने जो है वो डिप्रेशन की वजह से 6 महीने बाद ही आत्महत्या कर लिया। और वो जो है वो आज तक जो है अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उनके मांग का सिंदूर जो है वो उनके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूट भी करता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सिंदूर वो लगाती हैं वो किसी और का नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन जी के नाम का जो है वो सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि रेखा जी जो है वो अमिताभ बच्चन जी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन उनकी शादी जो है वो उनसे नहीं हो पाई। ये पूरा व्यू देखते हैं, ये सीधा रास्ता जो है वो सलमान खान का घर जाने की गैलेक्सी की तरफ जाता है। जी हाँ, और ये रास्ता आप सब देख सकते हैं, इधर जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधे मन्नत की तरफ जाता है, यानी कि शाहरुख खान के घर की तरफ जाता है। और शाहरुख खान के घर के जस्ट पहले जो है ये एक वाइट बिल्डिंग आप सबको दिख रही होगी, ये वाइट बिल्डिंग जो है इसमें फरहान अख्तर रहते हैं। जी हाँ, फरहान अख्तर की ये बिल्डिंग है, और फरहान अख्तर की बिल्डिंग है जस्ट पहले जो है ये रेखा जी का घर है जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये पूरा पेड़ की वजह से जो काज से दिख नहीं रहा है। तो ये देख सकते हैं रेखा मैम के घर के अंदर कोई जा रहा है, हो सकता है इनके घर के लोग होंगे तो ये आराम से जा रहे हैं। देख सकते हैं, ये देखिए दोनों लोग जो हैं वो जा रहे हैं उनके घर के जो भी होंगे। ये देख सकते हैं ये घर जो है ये फरहान अख्तर का घर है, और ये इधर जो है वो रेखा का घर है, और रेखा के जस्ट बगल में जो है जावेद अख्तर का है। ये भैया जो है यहाँ पर बताए हुए हैं हमें, तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये फरहान अख्तर का घर है। अच्छा अच्छा, जॉन रूम कहाँ पे कहाँ पर है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो इसके पीछे जो है जॉन इब्राहिम का भी घर है, वो तो देख लिया। ये भी अंकल जो है बता रहे हैं कि इससे पीछे जॉन इब्राहिम का भी घर है, ये जावेद अख्तर का घर है, ये रेखा का घर है, क्या बात है। तो ये था पीछे जो है वो रेखा का घर जो मैंने आप सबको दिखाया, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर सारे लोग जो है वो इधर ही रहते हैं, और जॉन इब्राहिम का घर, सारे लोग जो है इधर ही रहते हैं। ये एरिया जो है वो बैंडस्टैंड बहुत ही महंगा एरिया है जो यहाँ का। जी हाँ, तो सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है वो यहीं पर रहती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आप सबको दिखा दिया। आई होप यहाँ के जो है बिल्डिंग बहुत ही महंगी महंगी जो है बिल्डिंग है, तो बहुत ही जो अमीर यानी कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, वही लोग जो है वो यहाँ पर ज़मीन वगैरह जो है वो ले सकते हैं। बाकी जो है हम आम इंसान लोग तो कभी नहीं इतना महंगा ले सकते हैं, बहुत ही करोड़ों में इसकी जो है रकम है। तो आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता हूं। इंशाल्लाह फिर किसी नए ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय।